और इधर नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार अपने परवान पर है। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी गांव-गांव घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। खुद को गद्दार कहने पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सुमित्रा ने कांग्रेस पार्टी को ही गद्दार बताया और साथ ही इमरती देवी के अपमान को आधी आबादी का अपमान कहा है। इसके अलावा विमुक्त घुमक्कड़ जाति अभिकरण के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव ने भी कहा बीजेपी विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है। सुमित्रा खासडेगर से खास बातचीत की अनादि टीवी की विशेष संवाददाता आशीष मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए प्रचार परवान पर है। इस समय हम नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजरेकर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रही हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। सुमित्रा जी, कैसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमारे मुद्दे नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र निकाले थे उसकी बात कर लूँ मैं। पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र निकाले थे, हर किसानों का कर्जा माफ के बोले थे 2 लाख रुपए, वो रेगुलर हो या डिफॉल्टर हो, सबका किसानों का कर्जा माफ के बोले थे। युवा जो वो बेरोजगार है उनको रोजगार की भत्ते की बात किए थे, 4000 रुपए भत्ते की बात किए थे। बेटियों की शादी के लिए 51,000 की बात किए थे। ऐसे तमाम वचन दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, पर कांग्रेस पार्टी ये वचनों से मुखर गई। और मुखर करने के बाद में हमारे जो मुझे आए दिन किसानों का फोन आते थे, जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में जाती थी वहाँ वहाँ किसान मुझे घेर लेते थे और पूछते थे कि आप तो 2 लाख का कर्जा का बोले पर कर्जा तो माफ नहीं हुए, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, विकास के लिए, केवल नेपानगर के क्षेत्र के विकास के लिए। आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं सुमित्रा जी, क्या कन्यादान योजना का फायदा आपके क्षेत्र में जो राशि बढ़ाई थी उसका फायदा मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, किसी को नहीं मिले। बड़े बड़े सम्मेलन के सामूहिक विवाह हुई है, हमने नावरा मंडल में हुए, खकनार में हुए, पर एक को भी मिले नहीं उसके फायदा 51,000 के। इमरती देवी को लेकर बयान दिया था अभी एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और कल नेपा की सभा में भी कांग्रेस की जीत का दावा करते नजर आए। देखिए, ये हमारे तो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुकी है कांग्रेस से इमरती देवी, और अभी भी कैबिनेट मंत्री महिला बाल विकास की मंत्री है और वो भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार ने, जो कमलनाथ ने जो बुरा व्यवहार किया महिलाओं के साथ, खास करके महिलाओं के साथ, मतलब ऐसे अपशब्द बोलना ये बहुत गलत बात है, महिलाओं की क्या अपमान है ये। और मैं भी खुद आदिवासी महिला हूँ, लेकिन ये हम सहन नहीं करेंगे। जो आइटम बोला गए हैं माननीय इमरती दी को, तो ये बहुत गलत शब्द है, और आइटम के मतलब आप लोग समझ सकते हो। ये इतनी नीच नीच हरकत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो जनता इनको तो जवाब देगी, और हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के पूरे युवा वरिष्ठ सब मिलकर हम भी जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस एक और नारा लेकर जा रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, गद्दारी को लेकर सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह भी पोस्ट कर रहे हैं और सीधे बीजेपी के प्रत्याशी 25 प्रत्याशी जिसमें आप भी शामिल हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे वो वादे से तो मुखर गई कांग्रेस पार्टी। जो विकास होना चाहिए 15 महीने में, 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, और जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुए। तो हम तो विकास के लिए, जनता के लिए, हम तो कांग्रेस से भाजपा में परिवार में आई हूँ। और जो माननीय शिवराज जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हमारे नेपानगर क्षेत्र में, इतने बड़े बड़े काम हुए माननीय शिवराज जी करे, उसके प्रभावित होकर हम आए। और जो गद्दार है वो तो कांग्रेस पार्टी गद्दार है, ये हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है ये। जो लोग 35 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब झूठी बात है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास। अब जो मुद्दे उनने जो वचन पत्र दिए तो उनसे तो मुखर गए, जो विकास की बात ही है वो उनसे मुखर गए वो, पर ये तो गलत बात है, ये कांग्रेस पार्टी गद्दार है। अच्छा। ये समझती हूँ मैं तो। जीत के प्रति कितना आशान्वित है आप, आश्वस्त कितने हैं? देखिए, हमारे सब युवा वरिष्ठ सभी हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी हम तो यही समझ रहे हैं कि हम नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से हम कमल के फूल खिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो फिर से चुनाव जीतती हैं, तो 15 महीने में ऐसे कौन से काम छूट गए जो आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे वो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था नेपा हॉस्पिटल के, जब मैं कांग्रेस में विधायक थी उस समय भी मैंने मुद्दा उठाई थी, पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ ध्यान दिए नहीं। कमलनाथ जी के पास मैं गई थी नेपानगर हॉस्पिटल को लेकर, पर हुआ नहीं वो काम।
और माननीय शिवराज जी के पास फिर मैं गई थी तो उन्होंने मेरे 1,40,00,000 रुपए का सेंक्शन करवा दिया। ऐसे तमाम काम भी करे और हम विकास करेंगे, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी मिलकर विकास करेंगे। बिल्कुल, ये थी बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजरेकर जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई और साफ तौर पर जो गद्दारी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, 35 करोड़ को लेकर आरोप लगा रही थी, वो साफ तौर पर कहती नजर आई कि कांग्रेस पार्टी गद्दार है और खासतौर पर महिलाओं को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी है उससे वे भी आहत है और इसे नीच कदम निंदनीय बता रही है। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संजय यादव जी भी है। संजय जी, लगातार इस क्षेत्र में जो विकास की बात है आप भी दावा करते आए हैं, भोपाल में भी, यहाँ पर भी आपके स्थानीय सांसद भी करते आए हैं, अब चूंकि उपचुनाव इस तरह से पहली बार नेपा नगर में हो रहा है जब किसी विधायक ने अपनी विधायकी दांव पर लगाई है। विकास की बात जहाँ तक है, 2003 के पहले इस क्षेत्र में ना बिजली मिलती थी न रोड थी, रोड में जाते थे तो ऐसा लगता था तन डोले मेरा मन डोले, ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। यहाँ के आसपास के गांव में आप गांव के लोगों से पूछो, हमसे मत पूछो, हम तो नेता लोग, हम तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन आसपास के जन सामान्य लोगों से पूछो 2003 के पहले आपके गांव की स्थिति क्या होती थी। ये जो शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से ये रोड देखो, आप आओ खंडवा से कि एक घंटे में आ गए होंगे आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, नहीं तो पहले एक घंटे में आप 20-15 किलोमीटर नीचे चल पाते थे। ये विकास का कार्य अगर किसी शख्स ने किया है उस शख्स का नाम है शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो विकास के नाम पे जा रहे हैं, विकास विकास के अलावा हमें दूसरा कुछ नहीं समझता। और कांग्रेस के लोग केवल झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे। और कमलनाथ भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए, दावा करते आए नेपा नगर में एक दिन पहले कि कांग्रेस नेपा नगर से जीतेगी। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हो, मुंगेरीलाल के हसीन सपने के बिल्कुल। ये यहाँ सिरपुर में सुमित्रा काजरेकर पहुंची है प्रचार करने और यहाँ जीत के प्रति तो कॉन्फिडेंट नजर आई है। बीजेपी के तमाम नेता विकास के की बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 नवंबर को नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किसके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल, सोनी अनादि टीवी, सिरपुर, नेपा नगर।